हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह जोधपुर आएंगे। वे यहां कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पहले मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। करीब 1.25 घंटे के इस कार्यक्रम में मोदी कोणार्क क्रॉप्स के युद्ध स्मारक पर जाएंगे और वहां पुष्प गुच्छ अर्पित करेंगे। इसके बाद वे प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। करीब 11 बजे जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे। दोपहर को यहां ऑफिसर्स मेस में लंच के बाद दोपहर 3 बजे मोदी दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। पीएम का फिलहाल कोई सिविल कार्यक्रम नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेना की कोणार्क कोर की ओर से जोधपुर सहित जैसलमेर, अहमदाबाद और भुज मिलिट्री स्टेशन पर पराक्रम पर्व मनाया जाएगा। शुक्रवार को तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स का सम्मेलन जोधपुर में होगा। जोधपुर सहित 4 मिलिट्री स्टेशन पर इस पर्व का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक होगा। आमजन 2 दिन देख सकेंगे प्रदर्शनी। जोधपुर में कोणार्क क्रॉप्स की ओर से मिलिट्री स्टेशन में 28 से 30 सितंबर तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सेना के विभिन्न उपकरण, उनके शौर्य से जुड़ी सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। आम जनता इस प्रदर्शनी को 29 और 30 सितंबर को देख सकेगी। बता दें कि केंद्र सरकार भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह मनाई जा रही है। जोधपुर सहित देश के कई स्थानों पर 28 सितंबर से 3 दिन तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसे पराक्रम पर्व का नाम दिया गया है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।